वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में हमें कुछ अवेयर करवाएं सर। देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। यह विश्व में जो जनसंख्या से संबंधित विषय हैं, उनको उनकी जागृति फैलाने के लिए इस को मनाया जाता है। और यूएन जनरल असेंबली द्वारा ये पास यूनाइटेड नेशंस द्वारा ये बनाया गया डे है। इसको पूरे विश्व में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के अलावा UN के डिफरेंट एजेंसीज है, UNFPA है, तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस इसको मनाती हैं। विभिन्न सरकारें मनाती हैं, हमारी भारत की सरकार मनाती है, हमारे उत्तर प्रदेश की भी सरकार मनाएगी, क्योंकि हम लोग उसको इस में एक ऑब्लिगेटरी इंस्टीट्यूशन है। अब इस विश्व जनसंख्या दिवस को मनाने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करना। जनसंख्या कोई बुरी चीज नहीं है, जनसंख्या में वृद्धि, लेकिन प्रायः ये माना जाता है कि जनसंख्या वृद्धि एक समस्या है। जनसंख्या अध्ययन करने वाले लोगों का कहना है कि जनसंख्या वृद्धि कोई अभिशाप नहीं है समाजों के लिए। जनसंख्या वृद्धि एक मानक है जो ये बताता है कि जनसंख्या प्रतिवर्ष कितनी बढ़ रही है। और अब जब जनसंख्या के बारे में कई प्रतिमान है, कई डायमेंशंस होते हैं, जैसे जनसंख्या में हेल्थ है, हेल्थ के इश्यूज हैं, जनसंख्या में श्रम का इशू है, जनसंख्या में मॉर्टेलिटी और जो फर्टिलिटी के रेट्स हैं, तमाम तरह के ऐसे जो इंडिकेटर्स हैं उनके उनके प्रति जागरूक करना लोगों को। और जनसंख्या में जहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा हो रही है उसमें नियंत्रण रखना, जहां जनसंख्या में वृद्धि नहीं हो रही है वहां जनसंख्या बढ़ाना, हर तरह का काम जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या दिवस पे किया जाता है। जनसंख्या जो दिवस है हम विश्व स्तर पे मनाते हैं, इसलिए इसको विश्व जनसंख्या दिवस कहते हैं। और भारत में तो जनसंख्या विश्व की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, इसलिए भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस होता है। और भारत में हम लोग जनसंख्या आधारित बहुत सारे विषयों पे कल चर्चा करेंगे और पूरे जनसंख्या दिवस के आने वाले कुछ दिनों तक इस पे चर्चा होगी। और इसलिए इसका महत्व है कि जनसंख्या से संबंधित विषयों के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। सर, आपके हिसाब से ओवर पॉपुलेशन जो दिख रही है भारत और विश्व में, उससे आगे क्या दिक्कत हो सकती है, साथ ही हमें उसका कुछ उपाय भी बताएं। देखिए, जनसंख्या में जैसा अभी हमने पिछले उसमें कहा संदर्भ में कि जनसंख्या की वृद्धि जो है वो एक मतलब जो नियमित तरीके से जब ज्यादा होती है तो वो एक चिंता का विषय है। और भारत में या एक जिसको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का फेज कहा गया वो, या एक जनसंख्या विस्फोट वाली स्थिति थी वो, उससे अब हम लोग निकल चुके हैं। और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तो नहीं है जहां पर जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा मात्रा में हो रही थी। अब पिछले करीब 20 या 30 यानी 3 दशकों में देखा जाए तो जनसंख्या वृद्धि में उतना दिखाई नहीं पड़ता जितना 70 के दशक में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी। इसलिए अब भारत, अच्छा, जनसंख्या वृद्धि का एक सीधा संबंध शिक्षा से है। जब लोग पढ़ेंगे, लोग शिक्षित होंगे, शिक्षा के बाद उनके अंदर ये समझ आएगी कि जनसंख्या में असीमित वृद्धि हमारे संसाधनों के ऊपर किस प्रकार का दुष्परिणाम देगी, तब लोग जनसंख्या वृद्धि में अपने आप स्वतः नियंत्रण करेंगे। और इसलिए शिक्षा का और स्वास्थ्य का, इन विषयों का ज्ञान होना चाहिए। अब जनसंख्या नियंत्रण के तमाम उपाय भी विज्ञान ने हम लोगों को दिए हैं और हम सरकारों ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत सारे विभिन्न तरीके भी बताए हैं और अब लोग उसके प्रति जागरूक हो गए हैं। तो जनसंख्या अपने हिसाब से लोग स्वतः स्वेच्छा के साथ नियंत्रित कर रहे हैं और जनसंख्या उस तरह की समस्या नहीं है जितना 70 और 80 के दशक में थी। लोग समझ रहे हैं इस बात के महत्व को कि किस प्रकार से जनसंख्या
जनसंख्या के विषय को देखा जाए, जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए। इसलिए जहां तक आपने कहा कि इसके जो चुनौतियां हैं, दिक्कतें हैं, उसका भारत में क्या हल होना चाहिए, तो मैं तो सीधा सा यही कहूंगा कि भारतीय जनता को पहले शिक्षित करना होगा और शिक्षित करने के बाद जनता को यह बताना होगा, समाज को यह बताना होगा, सरकारों का दायित्व है कि जनसंख्या वृद्धि उनके लिए असीमित वृद्धि, मतलब अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड जो ग्रोथ है वो जनता के किन पक्षों के लिए नुकसानदायक है। जैसे संसाधनों की कमी हो जाती है, जब स्वास्थ्य भी के ऊपर उतना विशेष ध्यान नहीं दिया जा सकता है अगर असीमित जनसंख्या होगी, तो यह सब बातें तभी पता लगेंगी जब लोग शिक्षित होंगे और जनसंख्या के महत्व को समझेंगे। इसलिए यह हमें देखना होगा कि पहले हम शिक्षित करें लोगों को, जनसंख्या की समस्या के बारे में अवगत कराएं, तो अपने आप जनसंख्या की समस्या जो लोग कहते हैं वो अपने आप खत्म हो जाएगी। और इसमें सामूहिक प्रयास की जरूरत है, केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सामाजिक सरोकारों की जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति को इस विषय पे चिंतन करना चाहिए, समझना चाहिए और अपने हिसाब से व्यवहारों को नियंत्रित करना चाहिए। जैसा कुछ सोशल रिसर्चर्स का मानना है कि लॉकडाउन के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ की ज्यादा संभावना दिख रही है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मैं तो नहीं, इस ये तो एक हाइपोथेटिकल बात है। पुरानी रिसर्च ये कभी नहीं कहती, क्योंकि लॉकडाउन तो ये अभी महामारी के बाद एक ऐसी घटना है जिसको अभी समाजों ने और सरकारों ने अनुभव किया है। इस अनुभव पे हम 2020 में, मतलब 2020 में, 2020 में जो हमारे जनसंख्या का आंकड़ा है, और 2021 में हमारे पास बहुत थोड़े आंकड़े हैं जिससे हम यह बता सकते हैं कि जनसंख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई है, कोई विस्फोटक स्थिति नहीं आई है जितनी समाज में वैज्ञानिकों ने, या जो आप कह रहे हैं, मैंने तो कोई रिपोर्ट ऐसी पढ़ी नहीं कि कोई ऐसा समाजशास्त्री या कोई ऐसा सोशल डेमोग्राफर ऐसा आया नहीं जिसने मुझे ये रिपोर्ट मैंने उसकी पढ़ी हो, क्योंकि अभी तो डेटा ही नहीं अवेलेबल है, ये तो सब डेटा 2 साल के बाद ही आएगा। तो इसलिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी रिपोर्ट अगर आती है तो उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, और ऐसी संभावना नहीं है कि लॉकडाउन के बाद सडनली पॉपुलेशन की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली हाई हो जाए। जी सर, आखिरी सवाल सर, हमारी इवेंट फॉर इंडिया की टीम को अवेयरनेस प्रोग्राम इनिशिएटिव के लिए अपने शब्दों में कुछ प्रोत्साहन दें। मैं तो यही कहूंगा आपकी पूरी इनिशिएटिव के लिए, पूरी टीम के लिए, कि जनसंख्या एक महत्वपूर्ण विषय है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो गांव में रहता हो, चाहे वो शहर में रहता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी के धर्म का हो। जनसंख्या केवल नंबर ऑफ पीपल को नहीं काउंट करती, बल्कि लोगों और लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम अन्य विषय हैं, उन सब से संबंधित होती है। इसलिए जनसंख्या एक व्यापक विषय है, और इस व्यापक विषय के लिए आपकी चेतना को, जो आप चेतना बढ़ा रहे हैं लोगों में, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। आप अपने उद्देश्य में सफल हों, आपकी इनिशिएटिव, आपका टीम जनसंख्या के प्रति जागरूकता फैलाए, यही मेरी शुभकामनाएं।